अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अभी उमरा जाने से पहले ये मंथली जो दवाओं के पेशेंट्स ये तमाम रहते हैं, ये इन लोगों का सब लेके जाना पड़ता है गरीब मरीजों के लिए। आप तमाम लोग से गुजारिश है कि इसको शेयर करते रहें, मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहिए, अल्लाह सेहत के साथ रहूँ, शुगर वगैरह नॉर्मल रहे और अच्छे से इबादत हो सके। ये भी एक ज़िम्मेदारी है इन लोगों की, ये भी एक ज़िम्मेदारी पूरी करके जाना पड़ता है कहीं जाने से पहले सबको। ये गरीबों को जो है बेहद गरीब मरीज़ पेशेंट इन लोगों को देखना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते इनको। बोलने वाले तो बोलते रहते, कुछ ना कुछ जो है तनकीद करते रहते, लेकिन अपने को अपना काम जारी रखना है। वो कौम वो मिल्लत जो सहाबा इकराम को नहीं छोड़ी और ताबईन तबे ताबईन को नहीं छोड़ी, वो आपको हमारे को कहाँ छोड़ेगी। ये लोग कुछ करते तो नहीं, लेकिन करने वालों को जो है करने भी नहीं देते। क्यों कर रहे हैं आप लोग, यही है। अरे भाई, अगर आप करेंगे तो फिर हमको करने की ज़रूरत क्यों आएगी? लोग हमारे पास अमजदुल्ला करने और कोई दूसरी जगह क्यों जाएंगे? ये लोग फिर आपके पास आएंगे, आप अपना इलाज कीजिए इनका दवाखानों में, इनको राशन पानी दवा पैसा इनको दीजिए, इनका आप काम कर दीजिए, ये लोग आपको भी ओढ़ देंगे, आप भी मज़े में रहिए। लेकिन आप सिर्फ, आपको लेना आता है देना नहीं आता। इसीलिए मैं इन लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जो है, अभी इलेक्शन आ रहा है, करीब आ रहा है, आप लोग जो है ना MBT खड़ी की तो MBT को वोट देना अमजदुल्ला खान को, नहीं तो कांग्रेस को दे देना वोट। अभी सब वादा करके जाते हैं लोग और इंशाल्लाह ये लोग वैसे करेंगे जैसा मैं बोलता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता एक 100 जाएंगे, 100 घर, 50 घर, 200 घर, 1000 घर, एक दूसरे को लोग बोलेंगे अपने रिश्तेदारों में, अपने अड़ोस पड़ोस में समझाएंगे कि नल लाइट ढक्कन जो है ये तरक्की नहीं है कौम की। जैसा उन लोगों की तरक्की हो गई, जैसा उनके पास करोड़ों अरबों रुपये आ गए, 4-4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं और उनके बच्चे ऐशो आराम की ज़िंदगी, और ये जो देने वाले गरीब लोग हैं उनको वोट, उनकी क्या हालत है, कैसे परेशान है वो लोग, वो तो आप ये वीडियोस में देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ से आते हैं। तो इन लोगों को समझाना भी ज़रूरी है कि वैसा करना भी गुनाह है, उनको वोट देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला क़यामत में पूछेगा कि वो लोग तुम्हारी मदद नहीं करते थे तो तुम उनको उनकी मदद क्यों करते थे? उनके बीवी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम जो है अपना वोट ले आके देते थे, तो अल्लाह तुमसे भी पूछेगा। बहरहाल मैं तो सबको समझा के देता हूँ, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब आ रहा है। अब कुछ निकले हैं चंगो मंगो पंगो फेसबुकों पे आके हमारे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, अच्छा है, ये लोग जितना बोलेंगे उतना शिद्दत से हम भी इन लोगों को समझाएंगे और जो है इनको बोलेंगे कि इनके सदर को जो है आने वाले इलेक्शन के अंदर वोट नहीं देना, इनको हम इनसे वादा लेके जो है काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये लोग वही करेंगे जो हम बोलेंगे इनको। मैं जिस तरह समझाया आप लोग समझ गए ना, वही करेंगे ना जो मैं बोला, गुनाह तो नहीं करेंगे ना आप लोग, वो गुनाह है, वो उनकी मदद करना गुनाह है, उन्होंने आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनके बच्चों के लिए उनके ख़ानदान के लिए आप वोट दे रहे हैं तो गुनाह है, वो उन्होंने खा के पी के मज़े में पहाड़ों पर प्यालेसों में खूब, और आप जो है परेशान हैं, दवा को पैसे नहीं, किसी की वालदा दवाखाने में, किसी को कैंसर है, 5-5 बच्चे हैं लंग्स कैंसर है बेचारी बैठे भी आके इतनी दूर से। बहरहाल आप लोग औरतों में इनकलाब लेके आओ, औरतें 10 औरतों को बोल सकते हैं आप लोग कि देखो अम्मा ऐसा है, अपन परेशान हैं, उन्होंने मदद नहीं करते, वो नल लाइट मोरियाँ बाहर फोड़े तो उससे अपने को क्या है, अपने को ना ऑटो नहीं मिल रहा, घर में खाने को नहीं है, राशन नहीं है, किराए का ऑटो चलाते, 8 दिन से ऑटो नहीं है, घर में बैठे हुए हैं और ऑटो का भी नहीं चल रहा है, तो राशन की ज़रूरत है, घर में 5-5 बच्चे हैं, तो इन लोगों को देखे फ़ायदा क्या है, जो आपको नहीं पूछ रहे हमको नहीं पूछ रहे। बरियल चलिए आइए, सारा सुल्ताना हस्बैंड TB पेशेंट, सलाम अलैकुम, कहाँ से आए आप? याकूतपुरे से। हस्बैंड को क्या है? कैंसर, वो TB है। TB कैंसर है, अच्छी बात है। तो आप चेस्ट हॉस्पिटल को जाइए,
और मैं आपके घर के अखराजात के लिए जो है पैसे दे रहा हूँ, ये लीजिए, वहाँ से राशन ले लीजिए बेटा, राशन दीजिए हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए दुआ कीजिए, इधर है राशन आपको। आमिना की अम्मी आइए, हाँ ये आपकी बच्ची की दवाओं के, वालेकुम सलाम, मेरी बच्ची की दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। जो इनकी बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है, नागाबोली में रहते हैं याखुतुरे में, बहुत परेशान रहते दवाओं के लिए। शाहीन बागे जहांरा, हस्बैंड को शुगर है, बच्चे को फीट्स आते हैं आपके, मैदे में सुराख है, ठीक है, राशन देना इनको, एक राशन दे दो बेटा, ये पैसे लीजिए आप, दुआ में याद रखिए। फरीदा सिस्टर, वालेकुम सलाम, ये बेवा है बच्ची, ये गंगानगर सलम में रहते, अम्मी दवाखाने में है, ये अम्मी के लिए पैसे, एक राशन दे दो इनको। कौसर सुल्ताना, कहाँ से? फिसल बंडा, क्या प्रॉब्लम है? मम्मी की ओपन हार्ट सर्जरी है, मंडे डिस्चार्ज हुए। अच्छा, कितने भाई बहन है आप? चार बहन एक भाई है। चार बहन एक भाई है, चार बहनें एक भाई है। पापा ऑटो चलाते, कभी जाते कभी नहीं, उनको भी पॉलिश मारी थी पहले, 3 साल पहले पॉलिश मारी थी, कभी ऑटो पे जाते कभी नहीं जाते। ऑटो चलाते भाई, पापा पापा, एक राशन दे दो इनको, ये लो पैसे दे दो, दो हमें याद रखो। शिरीन रैन बदर चमन, वालेकुम सलाम, ये बच्ची के तीन बच्चे हैं, इसको दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, हस्बैंड को फीट्स आते और गिर जाते चलते चलते, ये आती है दवाओं के लिए, उसके लिए एक राशन का पैक दे दो, ये दवाओं के पैसे तुम्हारे शोहर के, और अगर बच्ची के दूध के पैसे भी है उसमें, और अगर दवाएं आ गए तो मैं बुला के देता हूँ तुम्हारे को, जाइए। वालेकुम सलाम, दुआ में याद रखिए, अल्लाह आपको सेहत दे, शुगर भी नॉर्मल लेवल पर रहो आपकी, आमीन आमीन। फरीदा गंगानगर, ऑटो किराए का चलाते, नहीं चल रहा, 8 दिन से ऑटो नहीं मिला, 4 बच्चे हैं, परेशान। वालेकुम सलाम, शुक्रिया अल्लाह, अच्छा रहा, आप लोगों को सेहत भी करवा दिया, कामयाब जो भी कर रहे हैं आप लोग, कामयाब हो इंशाल्लाह। राशन ले लीजिए यहाँ से। नाजिया फिसल बंडा, वालेकुम सलाम, कैसी है तबीयत? है भैया, चल रहा पैर का दर्द, बहुत बहुत जजाकल्ला खैर, उम्रा को जा रहे हैं आप लोग, अल्लाह आपका आसान करे उम्रा, आपकी शुगर वही सब नॉर्मल है, आपके दोस्तों को बहुत बहुत जजाकल्ला खैर हमारे लिए। राशन ले लो यहाँ से। फातिमा आलिमा, आलिमा फाजिला फातिमा, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, अल्लाह ताला आपको और बाजी को पूरे पूरे अराकीन अदा करने की तौफीक दे सेहत के साथ, अल्लाह आपके दो साहिबाब को भी अल्लाह ताला इसी तरीके से जिस तरीके से अंकल उम्रे के लिए जा रहे हैं, तमाम को उम्मत मोहम्मदिया को तमाम को उम्रे की हज की तौफीक अता फरमाए, आपको कामयाब करें, आपके दोस्तों को अल्लाह ताला इसका अजर अजीम अता फरमाए, आप सबसे दुआओं की सलीमा करके पूरे दोस्तों से अंकल से गुजारिश अदबन गुजारिश करती हूँ, मेरी मेरे बच्चे के लिए खास दुआ में याद रखिए, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की दुआ कीजिए। राशन ले लीजिए। इशरत किशन बख्श, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम अंकल, आप लोगों की आप लोगों के लिए बहुत मदद करें, शुरू से कर अभी भी कर रहे, इतना ख्याल करके बुलाए अंकल, अब जाने के टाइम पर भी अल्लाह आपका उम्र अच्छे से अच्छा हो, और बस मेरे लिए बच्चों के लिए दुआ करिए अंकल, जो भी दोस्तों आपको याद होगा ये छोटा
तो क्या ये छोटा रिचार्ज फुल टॉक टाइम ये कई मरतबा मरते मरते बचा असद, आप लोगों को याद हो गया उस्मानिया दवाखाने में, और एक दवाखाने में लपट के दे दिए थे असरा में इसको, फिर दूसरे दवाखाने में लेके जाके वो चद्दर में से खोले तो लपट के निकल गया, फिर बाहर आईसीयू में जाता वापस आता था। इसके ऊपर याद होगा आप लोगों को, अपन इसके ऊपर करीब 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा करे अपन। करे अभी भी कर रहे हैं अंकल, अभी मैं बच्चे के खातिर ही आई अंकल, आप ना बहुत मदद करें, अभी इतना ख्याल करें मेरे बच्चे का, मेरा और मेरे शोहर का भी, अब ऐसे हालत थे अंकल आप ला के दिए, बहुत दिल से दुआ नहीं कर रही अंकल, बस आप उम्र अच्छे से अच्छा हो हमारे लिए, दुआ करो। याद है आप लोग का इसका उस्मानिया दवाखाने में बहुत धूमधाम से बर्थडे करा था मैं, बहुत सीरियस हो गया था, कलीज बर्थडे है कहते 5 और डाल के बोले 500। जब भी बर्थडे आती याद करते हैं अंकल आप लोगों, खिलौनों रोने ले लेके आए थे तुम्हारे को उस्मानिया दवाखाने में, नूर जहाँ राशन ले लो, वालेकुम सलाम, कहाँ से नूर जहाँ, कहाँ पे याखुदपुरा, जवाहर कॉलेज के पास से जी, क्या प्रॉब्लम है, राशन के लिए बुलाए आपको, दे दीजिए, जज़ाकल्लाह। और कौन है, रुबीना की आंटी, ये वीडियो है तालाब कट्टे से है, ये तालाब कट्टे से आते हैं, ये कैसी तबीयत वगैरह, ठीक है, ठीक है जी, बीपी है, थायराइड है, आजकल नॉर्मल है बीपी थायराइड, शुगर नहीं है, अल्लाह का शुगर अदा करो, हाँ नहीं तो शुगर भी एक बीमारी में एक बीमारी है, जा रहे हैं उम्रे कामयाब करो, आमीन आमीन, भाभी को भी जरूर, और कौन है, ये लीजिए वो राशन का ले लीजिए, आपका हो गया, अच्छा अच्छा हो गए ना, हाँ ओके दोस्तों, दुआ कीजिए अल्लाह सुबहान व तआला आप लोगों को भी इसका अजर दे, और इन तमाम के जो है आप लोग भी जो है दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।